हेलो एवरीवन, आज हम SBI कलरक का प्रीलिम्स का टेस्ट देने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। देर आर नाइन पीपल एल सी के लिए अराउंड ए सर्कुलर टेबल के बाहर है, सेम ऑर्डर में फेसिंग सेंटर, कुछ बार भी देख रहे हैं। तो चलिए बना देते हैं हम। 9 बंदे हो गए हैं। पी सेकंड राइट ऑफ एम राइट में, तो पी बैठा हुआ है। हु इज फेसिंग इनसाइड, एम जो है अंदर की तरफ देख रहा है, एम जो है अंदर की तरफ देख रहा है। उसके राइट में दो ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस इज द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू के, ओ और ओ के साथ वाला बंदा उल्टा सुलटा है ठीक है। ओके इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड के है। और इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस इज अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एम के आसपास ठीक है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में हु इज फेसिंग आउटसाइड, ओ सेकंड लेफ्ट में पी के, पी सेकंड लेफ्ट में। ओ है और ओ जो है आउटसाइड देख रहा है, बाहर देख रहा है ठीक है। जे इज एनिमेट नेबर ऑफ पी, जे इमेज नेबर ऑफ पी है एंड सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड लेफ्ट में है। आर फेस इज द सेम डायरेक्शन एज एम, बिल्कुल सही है। एन एंड एल आर नेबर, एल और एन नेबर है, एल और एन नेबर है। वो फेस इज द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो गए। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो एल यहाँ पे आ गया। वो एल फेस इज द सेम डायरेक्शन एज जे, एल और जे सेम डायरेक्शन है। के एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, के और क्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन। वो जो भी है ऐसे उसका उल्टा है। उसका उल्टा है, ऐसा तो है ही नहीं। ओके साइड वाला है, ओके साइड वाला उल्टा है ठीक है। ये हो गया। और एम के का के एंड क्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन ठीक है, सर हो गया। अब क्या क्वेश्चन, हाउ मैनी आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर, आउटसाइड एक दो तीन चार पाँच, आउटसाइड में दो राइट ऑफ आर, आर के बिल्कुल राइट में के बैठा है। उसके बाद नेबर ऑफ एम के नेबर कौन है, एल और क्या हुआ है। उसके बाद एल के थर्ड में, एल के लेफ्ट में एक दो तीन पी बैठा है। और पी के सेकंड राइट में, पी के सेकंड राइट में एम बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% डिफरेंट हाइट एंड वेट, ओ इज टॉलर देन क्यू, ओ इज टॉलर देन क्यू, क्यू एंड आर। ओनली आर इज हैवियर देन क्यू,
फिर आर इज हैवियर देन क्यू, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन क्यू, क्यू से छोटे हैं तो चार पर्सन है, एक दो तीन चार हैवी वाला है तो हैवी टॉलर एक सेकंड गाइस आगे देखते एक सेकंड सम नट्स आर नॉट ऑलमेंट सम नट्स आर नॉट ऑलमेंट All almond is soft, soft. No soft is good, good. Some nuts are almond. Some nuts are almond. कुछ नहीं कह सकते. No soft are almond. यानी कि some or no. No nuts are almond. Some nuts, some or no आ गया तो either or हो गया. One or three में तो either or हो गया. One or three में either or हो गया. No soft are almond. No soft are आलमंड ये गलत हो गया तो वन और थ्री में आएगा इधर और. उसके बाद क्या बात हुई नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. सम स्टूडेंट आर मैन, सम जो स्टूडेंट हैं वो मैन हैं. ऑल बॉयज आर मैन, बॉयज हैं. सम मैन आर बॉयज, सम मैन आर बॉयज सही है. सम मैन आर स्टूडेंट, सम मैन आर स्टूडेंट दोनों सही है. सम बुक्स आर लार्ज, सम जो बुक्स हैं वो लार्ज हैं. नो बिग इज बुक्स, बुक्स नो बिग इज बुक्स इनकी कोई रिलेशन नहीं है. ओनली फ्यू आर स्मॉल, फ्यू लार्ज आर स्मॉल, लार्ज का छोटा सा हिस्सा स्मॉल है. सम स्मॉल इज नॉट लार्ज, सम लार्ज आर नॉट स्मॉल इनकी दोनों सम हैं. सम स्मॉल आर नॉट लार्ज, सम स्मॉल नॉट लार्ज सही नहीं है. सम बुक्स इज नॉट बिग, सम बुक्स इज नॉट बिग ये भी गलत है. सम लार्ज आर नहीं आ सकते, ठीक है. सम लार्ज आर नॉट स्मॉल, सम लार्ज आर नॉट स्मॉल. तो इसके सेकंड तो कर रहा है रिकॉर्डिंग. सम स्मॉल इज नॉट लार्ज, सम स्मॉल इज ओनली टू दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से तो. ऑल मोड वर्क कर दिया हमने. एट बॉक्स नंबर एट ठीक है. थ्री बुक्स साइंस, थ्री बुक्स कीप बिटवीन साइंस एंड हिस्ट्री. साइंस और हिस्ट्री के बीच में तीन बुक हैं. केमिस्ट्री इमीडिएट बिलो साइंस और केमिस्ट्री एक साथ हैं. और टू बुक्स बिटवीन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में दो बुक हैं. उसके बाद मैनी बुक्स हिंदी एंड ज्योग्राफी, हिंदी और जियो के बीच में जितनी बुक हैं उतनी ही केमिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में सेम है. फिजिक्स इज बिलो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जस्ट नीचे है फिजिक्स. साइंस बुक नॉट अबाउट हिस्ट्री, साइंस जो है हिस्ट्री के ऊपर नहीं है. और बायोलॉजी नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो द हिस्ट्री, बायो जो है हिस्ट्री के जस्ट नीचे नहीं है, जस्ट नीचे. ठीक है, अब हम बना लेते हैं. साइंस केमिस्ट्री दोनों साथ में है, साइंस केमिस्ट्री ठीक है. केमिस्ट्री के इंग्लिश के बीच में दो हैं, साइंस केमिस्ट्री एक दो, इंग्लिश एक दो, इंग्लिश ठीक है. और उसके बाद केमिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जितने हैं, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जितने हैं उतने ही हिंदी और जियोग्राफी के बीच में. जियोग्राफी के जस्ट नीचे फिजिक्स है. तो अगर हम यहाँ लिखें जियोग्राफी के जस्ट नीचे फिजिक्स, तो
कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनाए। ज्योग्राफी जस्ट नीचे फिजिक्स, फिजिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। उसके हिंदी और ज्योग्राफी के बीच में जितने हैं उतने ही हिस्ट्री और 1 2 3 4 5 6 7 8 हिंदी और ज्योग्राफी, हिंदी और ज्योग्राफी ज्योग्राफी के बीच में जितने नहीं केमिस्ट्री और हिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, हिस्ट्री के बीच में है ठीक है। तो ज्योग्राफी और हिंदी के बीच में है, अच्छा हिस्ट्री के जस्ट नीचे बायो नहीं है, हिस्ट्री के जस्ट नीचे बायो नहीं है, यह डिस्ट्रिक्ट टेस्ट नीचे बायो आ रहा है। हिंदी और ज्योग्राफी के बीच में जितने हिंदी और ज्योग्राफी 1 2 3 उतने ही केमिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, केमिस्ट्री हिस्ट्री के बीच में केमिस्ट्री हिंदी के बीच है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बायो यहाँ आगे ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द नोट गुरु हिंदी बायो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिंदी बायो केमिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री हिंदी बायोकेमिस्ट्री हिंदी बायोकेमिस्ट्री हिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स 2 है, बायो 4 है, बायो 4 हिंदी 7 है, हिस्ट्री 1 है, फिजिक्स केमिस्ट्री 5 है। नहीं होया गाइस, बाद में देखते इसको। चार लेटर न्यू स्टार्टिंग फर्स्ट थर्ड सेवंथ और टेंथ, फर्स्ट थर्ड तीन तीन छः सेवंथ तीन तीन छः तीन और टेंथ पी से स्टार्ट हो गए। डब्ल्यू से यू के पास जाना है, नहीं जा सकते। ओ से क्यों के पास जाना है, ओ से क्यों के पास जाना है, लेकिन ओ
टू और थ्री में इधर और है। जी सिटी की फासल है जी से, मैं इस कंडीशन के हिसाब से नहीं आ सकता। डी के डी से के पास जाना है, डी से ए के पास जाना आ गया, ठीक है। ओनली टू ट्रू। और यू से ओ के पास जाना है, यू से के पास जाना है, यू से मैं ओ के पास आ सकता हूँ। डी के बटी बस के पहला सही है। और ओ से एम के पास जाना है, ओ से यू से के पास जाना हो गया, ओ से एम के पास नहीं आ सकता, ओ से यू के पास नहीं आ सकता। ओनली वन ओनली वन, ठीक है। उसके बाद उनको क्या बताना है, वेयर आर चेस, वेयर आर यू, वेयर आर चेस, वेयर आर आर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में आ रहा है। तो कॉमन क्या इनमें, ए ई है, ए ई है आर के लिए, ए ई है वेयर आर, आर आर कॉमन है और इनमें ए ई कॉमन है, ए ई ठीक है। उसके बाद चेस इसमें है, चेस इसमें है, इनमें क्या कॉमन है, एच सी, चेस के लिए है एच सी, ठीक है। और क्या रहेगा, वेयर, वेयर इसमें है, इसमें है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई आर कॉमन है, ई आर, ई आर, ई आर एच सी, ई आर ए ई, ई आर ए ई एच सी, यही मिलेगा। प्लेयर के लिए क्या बोल, प्लेयर, 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 एच सी नहीं है, एच सी नहीं है, एच सी नहीं है। इज के लिए ये है, सेस के लिए एच सी नहीं है, ई आर नहीं है, सी नहीं है, ई आर नहीं है, एस डी और वाई आर में, एस डी और वाई आर में, उसका एस डी और वाई आर में उसका कुछ भी है इधर। और जी हमको क्या बताना है, यू आर प्लेइंग चेस इज यू व्हेन दैट कोड ऑफ वी, यू आर प्लेइंग चेस इज यू आर प्लेइंग चेस देन व्हाट कोड ऑफ वी, वी के लिए क्या कोड होगा, वी आई जी आ गया, ए आ गया, एच ए आ गया, यू यू, नहीं चेस, यू ई आई जी यू ई डब्ल्यू डब्ल्यू। उसके बाद 8% नॉर्थ में है, ठीक है। के इज सीटिंग टू प्लेस अवे फ्रॉम पर्सन, के इज सीटिंग टू प्लेस अवे फ्रॉम पर्सन हु इज सीटिंग एट ट्रेन, एट कर रहे हैं एक तो only two girls are between K and R के बीच में, तो और ठीक है। वो इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ R, R के राइट में फोर्थ, एक दो तीन चार, कौन है वो है, छ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कौन से हो गए, ठीक है। ओनली 1% एन एंड के बीच में 1%, एन और के बीच में 1%, एन यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। दे आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम इन इन द बोथ लाइन, तो ये है तो एन यहाँ पे है, ठीक है। और पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, पी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में पी थर्ड, वन सेकेंड थर्ड, ठीक है। और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, क्या हो गया आसपास नहीं है, यहाँ पे एल भी नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, तो ठीक है। क्या हो सीटेड, क्या हो यहाँ पे है, तो एल यहाँ पे है,
गेल मनो KLM एन एन क्या है एन बहुत अपने ग्राहक को इनकी तो वजन से 20% कम देता है तो अंदर का लाभ इनकी 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम लेता है उसका 80,000 है 20% कम देता है परसेंट हो गया वैसे तो शायद 25 से लेबर देता है वगैरह तो आई रेट में दिमाग तो 20% कम देता है 800 ग्राम दे 800 ग्राम की इसकी क्या कीमत है तो कितना प्रॉफिट हो गया 160 में नौ सेकेंड दस वर्षों में 3 गुनी कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी 30 साल में देखिए 3 गुनी 1 से 3 होगी 2 से 9 गुना करना 1 से 9 8 से
चार गुना करो 40 तो समझ गया योग नो होगा अभाज्य संख्या है। संख्या में योग नो है या संख्या में योग नो है? तीन प्लस के छः, चार प्लस के पाँच, पाँच प्लस के चार, छः प्लस के तीन, ठीक है चार है ऐसे, तो चार बटा छत्तीस गुणा है और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभाज्य है डेढ़ सौ का 54% यानी चम्मन का चम्मन और अठारह सताईस सताईस थी चम्मन सताईस थी पाँच चार सताईस थी इक्यासी के इक्यासी प्लस चार गुणा एक सौ उनतीस का 9% यानी नई नई इक्यासी नौ दून अठारह अठारह सोलह सौ इकसठ इक्यासी गुणा जीरो छब्बीस में था आठ गए चौदह चार गुणा दस चार गुणा चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना पैंतीस 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 रुका एक सौ पैंतीस इक्यासी की 3.5 सात सौ उनतीस इक्यासी की 3.5 गुना में नौ की पावर सात और ये नौ की पावर तीन है नहीं नौ की पावर तीन है चार पॉइंट पाँच बाद में नौ की पावर पाँच पॉइंट पाँच इसमें से ये घट के नौ की पावर दस और छः बजे नौ की पावर छः उसके बाद दो सौ सोलह भाग ये हो गया एक्स की फोर हो गया चौबीस गुणा दो सौ सोलह गुणा चौंसठ चार सी चौबीस एक सौ बयासी भाग में चौदह चौदह कम चौदह चार दो चौथी बयालीस गुणा में उन्नीस प्लस इक्यासी तेरह उन्नीस सत्रह तेरह ग्यारह चौबीस इक्यासी आठ सात आठ चौबीस अड़तीस तीन सौ अट्ठाईस चौदह छिके चौरासी प्लस नौ छिके चौवन ये हो गया एक सौ चौदह प्लस के कितने एक सौ सतासी में से एक सौ सतासी में हो गया छठ छः छियासठ सात छियासठ सात तिहत्तर
स्टार्ट 100 बटा 7 प्लस के 39 प्लस के 6 ग्राम में से जोड़ा 42 प्लस के एक हो गया 43 प्लस के 39 12 सिलेक्चर 3 7 1 8 82 में से कितना रूट एक्सर है 4096 20 का स्केयर हो 400 64 390 का 41 512 भाग में 81 भाग में 72 18 36 ठीक है। ये कितना का आएगा भाई 512 27 9 6 54 4 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
दो तो चार तो छः तीन नौ पाँच चौदह चौदह सात इक्कीस इक्कीस भाग में तीन और तीन छः इक्कीस भाग में छः तीन साढ़े सौ पैंतीस सौ। उसके बाद दो कॉलेजों के छात्रों की कुल संख्या में अंतर कितना अंतर कितना दो हजार दो तीन तीन साढ़े चार साढ़े चार साढ़े छः साढ़े छः साढ़े सात साढ़े आठ। टी के लिए पिछले वर्ष
से छात्रों की संख्या प्रति अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है, वृद्धि कमी किस वर्ष हुई है टी के लिए, तो हज़ार की कौन सा की, डेढ़ हज़ार की, हज़ार की, दो हज़ार की, दो हज़ार की, छः हज़ार पे ये वृद्धि 33%, हज़ार की 5 पे 20%, 1500 की 3500 पे 43% और 500 की वृद्धि 6 हज़ार की 43% है यहाँ पे इस वर्ष 2016 में। 18 में टी के छात्रों की संख्या, 18 में टी के छात्रों की संख्या, 17 में टी के छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है, 6000 का, 32 के आसपास, 133 हो गया। टी के लिए 13 से 14 के छात्रों की प्रतिशत कमी, 13 से 14 में टी से कमी, 1000 की कमी, 4000 का 25%। उसके बाद एक साइकिल के उत्पादन की लागत 3000 रुपये, निर्माताओं की मूल्य 15%, 3000 से 15 अंकित करता है 3400 MP। ठीक है, 5% का लाभ देकर 1 रुपये की छूट देता है, 5% का लाभ भी कर रहा है, यानी कि 105% का लाभ भी कर रहा है। लिया गया समय धारा के ऊपर समान दूर तय करने में तो उल्टा देखा है। फिर जल में नाव की चाल बूंद बूंद 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जिम में 200 व्यक्ति स्पिनिंग कक्ष में 40 व्यक्ति ने भाग लिया, अच्छा जिम का दौरा क्या स्पिनिंग में 40 ने स्पिनिंग में भाग लिया, स्पिनिंग सर्किट सर्किट और दोनों कक्षाओं में स्पिनिंग और सर्किट दोनों में 30 ने लिया और 42 लोगों ने किसी संख्या में भाग नहीं लिया। तो सर्किट स्पिनिंग और सर्किट सर्किट के कुछ में यहाँ पे बताना कि 30 ने भाग लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 40 रुपये 82 कितने बंदे थे, 118 के आसपास भाग लिया, दोनों कक्षा में 30 व्यक्ति भाग लिया, 30 इसमें 42 ने किसी में नहीं लिया, 82 तो
why the PT rule is said to be the error of advertising passage. तो ये पैसेज है गाइस, इंग्लिश आ चुकी है. व्हाई द पीटी रूल इज सेट टू एन एरर ऑफ एडवर्टाइज ऑफ द पैसेज. पढ़ते हैं इसको. थ्री इन प्रिजन ओवर करप्शन चार्जेस टुडे इज प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ साउथ अमेरिका लार्जेस्ट टू द कंट्री स्टोरी ऑफ लुइस. यहाँ पे दिख रहा है द पीटी रूल वाज एन एरर ऑफ एडवर्टाइज. तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, आई थिंक पैराग्राफ बाद में देखें. तो इसमें सेंटेंस बनाते हैं कुछ. लार्ज स्केल ट्रायल आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैक्सीन एक्चुअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन. तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट बी बन रहा है, थर्ड सी बन रहा है, फोर्थ डी, फिफ्थ ई और चार ही क्वेश्चन थे. सिक्स सेवन एट नाइन. अच्छा सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट सी ई डी ई बी डी डी ए डी ई है गाइस. मेरे हिसाब से एरर बताना है. द नाइट वॉज क्लियर एंड कूल द स्काई इज ब्यूटीफुलेस्ट. ये ब्यूटीफुलेस्ट पे आ गया. ये क्या है भाई ब्यूटीफुलेस्ट. बोथ अमीर एंड एज ए वर्कड हार्ड फॉर हिज प्रमोशन ड्यूरिंग द विंटर. दो बंदे हैं तो हिज कैसे आ गया यहाँ पे. टीनेजर उसकी बात हो रही है. हु ड्रॉप बैक ऑफ हाई स्कूल हैव ट्रबल फाइंडिंग जॉब्स. हैविंग ट्रबल आ सकता है या फिर ट्रबल इन आ सकता है. ड्रॉप बैक हाई स्कूल हैव ट्रबल इन हैव ट्रबल इन हैविंग आ सकता है मेरे हिसाब से. हैव ट्रबल क्या आ सकता है. फाइंडिंग जॉब्स बैक ऑफ हाई स्कूल है
I was as eager as the others to hearing result, but my mind shifted to the practical. I was eager.